नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज। तो एक चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, वो था हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में एक सामान्य परिचय। इसमें दूसरा चैप्टर है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की। याद रखिए, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी लेक्चर आपके बनते जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम की जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए। ठीक है, चलिए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा था। इस समय वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इसका आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दोआब दोआब गंग यमुना और तथा गंगा मैदानी भाग में और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त या भारतवर्ष। भारत आर्यों के प्रमुख राजा थे, इन्हीं के नाम पर पड़ा। समय के साथ आर्य भारत के दूरस्थ भागों में फैल गए। संसार के प्राचीनतम शहरों में एक माना जाने वाला वाराणसी शहर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बौद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बट गया, फिर बड़े साम्राज्यों में, फिर गुप्त और फिर मौर्य तथा कुषाण का भाग बन गया। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल में यह राज्य मध्य प्रदेश के नाम से विख्यात था। उत्तर प्रदेश से आने वाले आक्रमकों के मार्ग में पड़ने तथा दिल्ली और पटना के बीच उपजाऊ भूमि होने के कारण इसे इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से घनिष्ठ संबंध है। यह क्षेत्र पूर्व में प्रयाग तक फैला हुआ था, लगभग यही वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा है। हिंदू कथा एवं क्योदंती साहित्य में जितने महान व्यक्ति और देवता वर्णित हैं, उन सभी की कर्म स्थली यही थी। रामायण महाभारत भी यहीं के लोगों की कथा है। यहीं के आर्य सुसंस्कृत व्यवहार कुशल और आदर्श माने गए। उत्तर प्रदेश में 8 जनपद हुए। महाजनपद कौन कौन से थे? तो इसमें महाजनपद हैं, ये उनकी राजधानियां हैं विस्तार। तो पहला कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मेरठ दिल्ली थानेश्वर तक है विस्तार इसका। फिर दूसरा पंचाल, इसकी राजधानी थी अहिच्छित, इसकी विस्तार था बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। फिर है सूरसेन मथुरा में, मथुरा राजधानी थी इसकी, मथुरा और इसके आसपास का क्षेत्र था इसमें शामिल। वत्स कौसाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, कौशल साकेत अयोध्या शरावस्ती और गोंडा इसमें शामिल था। मल्ल कुशीनगर, कुशीनगर और पावा। काशी की बात करें तो वाराणसी, वाराणसी एवं आसपास का क्षेत्र। चैदी सुक्तिमती बांदा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। ठीक है, वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में उत्तर प्रदेश कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि की कर्मभूमि रही है। 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, आगे बात करें हिंदू बौद्ध काल। हिंदू बौद्ध काल 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत तथा उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ हुआ। जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया तथा एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन जापान जैसे सुदूर देशों तक फैला था। कहा जाता है कि बौद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में था रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है,
और बाद में उज्जैन जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनका शासनकाल था 330 से लगभग 330 से 380। अशोक का शासनकाल रहा है 265 से 238 लगभग ईसा पूर्व। जो मौर्य सम्राट थे और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त लगभग ये रहा 330 से 380 और चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 से 415, जिन्हें कुछ विद्वान विक्रमादित्य मानते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन, इसका शासनकाल रहा है 606 से 647, जिन्होंने कान्यकुब्ज आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध और हिंदू ब्राह्मण संस्कृति दोनों का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य और वास्तुशिल्प प्रकृति अपने चरम पर पहुंचे। गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 में हर्ष की मृत्यु के पश्चात हिंदूवाद के पुनरुद्धान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुद्धान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की तथा हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा या एवं अंतिम मठ मानते हैं। 8वीं सदी में हर्ष की मृत्यु के पश्चात यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया। यशोवर्मन ने कश्मीर के राजा मुक्तापीड ललितादित्य के सहयोग से भारत की तिब्बतियों और अरबों के आक्रमण से रक्षा की। तत्कालीन समय में अरबों ने अपनी शक्ति के बल पर पड़ोसी राज्यों में आतंक सा कायम कर रखा तथा चीनी ने तुर्किस्तान से लेकर स्पेन के कार्डोवा नगर तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। वे कन्नौज के प्रतिरोध के कारण भारत पर अपने पैर नहीं जमा सके, लेकिन तत्पश्चात मुक्तापीड एवं यशोवर्मन एक साथ ना रह सके। यशोवर्मन के उत्तराधिकारी बंगाल के पाल नरेशों एवं महाराष्ट्र मराठों के संयुक्त आक्रमण का सामना ना कर सके, फलस्वरूप कन्नौज का पतन हो गया। बाद में आयुध वंशीय काल में कन्नौज पर अधिकत के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट, पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहारों में बहुत काल तक स्पर्धा चली, किंतु अंत में गुर्जर प्रतिहार सफल रहे। यह वंश 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत में छाए रहे। इन्हें सन 1018 से 19 में महमूद गजनवी ने परास्त किया। जिजाग भक्ति या वर्तमान बुंदेलखंड में चंदेल राजाओं ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उनका कलिंजरगढ़ अज्ञेय बना रहा। गुर्जर प्रतिहार नरेश बड़े वीर योद्धा थे। वे कला, संस्कृति, साहित्य के भी प्रशंसक एवं संरक्षक थे। इस वंश में मेहर भोज, महीपाल तथा महेंद्रपाल की काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए। इनका राज्य पश्चिम में मुल्तान तथा सौराष्ट्र, पूर्व में बिहार तक, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। प्रतिहारों की पराजय के पश्चात मध्य प्रदेश पुनः अराजकता फैल गई। तब दक्षिण एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो नए राजवंशों का उदय हुआ। इनमें से एक महोबा का चंदेल वंश, जिसने 400 वर्ष तक शासन किया। खजुराहो के अति सुंदर मंदिर का निर्माण इन्हीं चंदेल राजाओं के शासनकाल में हुआ। दूसरा वंश था गहरवाड़ों का। इस राजवंश के प्रादुर्भाव से इस क्षेत्र में पुनः शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित हुई। गहरवार वंश के दो प्रमुख राजा थे, गोविंद चंद और दूसरे जयचंद। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी द्वारा पराजय कर जयचंद की आदूरदर्शिता के कारण हुई। स्वयं जयचंद भी इस यवनों के आक्रमण से छंदवार में पराजित हुआ इटावा में और मारा गया।
धीरे धीरे मध्य प्रदेश तुर्कों के हाथ में आता गया। सन 1194 में कन्नौज के पतन के बाद अवध के कुछ लोगों ने अपने राज्य कायम कर लिए। वे 50 वर्षों से अधिक ना टिक सके। ठीक, फिर बात करते हैं मुस्लिम काल के बारे में। इस क्षेत्र में हालांकि 1000 से 1030 तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के पश्चात ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों और अन्य प्रतिस्पर्धा वंशों को पराजित किया। तभी लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिसका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर पानीपत के पहले युद्ध में सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 350 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर 1556 से 1605 है, लेकिन औरंगजेब आलमगीर 1707 का काल था, जिन्होंने आगरा के समीप नई शाही राजधानी फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहाँ शासन काल था इसका, शाहजहाँ का 1628 से 1698 ने आगरा में ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया, जो पेशव के दौरान चल बसी थी। इनकी बेगम शाहजहाँ की बेगम पेशव के दौरान चल बसी थी, तो इन्होंने इन्हीं की याद में ताजमहल बनवाया, जो विश्व के महान वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। शाहजहाँ ने आगरा तथा दिल्ली में भी शिल्प की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाईं। मुस्लिम काल भारत को ही अंग्रेज सोने की चिड़िया कहा करते थे। उत्तर प्रदेश में केंद्रित मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहन किया। अकबर इसके महानतम प्रतिपादक थे, ठीक है, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला, संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया। भारत के विभिन्न मत और इस्लाम के मेल ने कई नए मतों का विकास किया, जो भारत की विभिन्न जातियों के बीच आम सहमति कायम करना चाहते थे। भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद 1400 से 1470, जिनका दावा था कि मुक्ति लीग या जाति पर आश्रित नहीं है, सभी धर्मों के बीच अनिवार्य एकता की शिक्षा देने वाले कबीर ने उत्तर प्रदेश में मौजूद धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ अपनी लड़ाई केंद्रित की। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था, जहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में कला, साहित्य, संगीत, काव्य का उत्कर्ष हुआ। मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय आगरा भारत की राजधानी थी। ये विशेषताएं जहांगीर और शाहजहां के काल में भी चलती रहीं। तत्कालीन इतिहासकार उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान की संज्ञा देते थे। उत्तर प्रदेश ने दिल्ली साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब तक कि शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। टोडरमल बीरमल इसी क्षेत्र के रतन थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य को औरंगजेब की कट्टरपंथी नीतियों से भारी धक्का लगा। साम्राज्य का तख्त चरमरा उठा, विद्रोह के बिगुल बज उठे। वीर छत्रसाल बुंदेलखंड ने इस विद्रोह की शुरुआत की। बुंदेलों की यह लड़ाई रुक रुक कर 50 वर्षों तक चली। छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव की मदद करने के कारण उत्तर प्रदेश में मराठों ने पांव जमे मराठों की। मुगल साम्राज्य के दुर्बल होने पर मोहम्मद शाह वंशज ने फरुखाबाद में अपना राज्य स्थापित कर लिया। साथ ही अली मोहम्मद रोहिलखंड का सूबेदार हो गया। अवध का सूबेदार सादत खां 1732 में स्वतंत्र हो गया। लगभग इसी समय रोहेलों ने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 1761 में मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी थी। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने
जाजामऊ के युद्ध में पराजित कर दिया। अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख प्रति वर्ष जुर्माने के रूप में देना स्वीकार किया। 1774 में अवध के नवाब ने रोहेलखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से परास्त किया। मराठे कुछ समय तक गंगा यमुना के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास में लगे रहे, किंतु 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में हार जाने का कारण उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। अवसर का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दुआब पर अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली। 1754 से 1775 तक अवध में तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने शासन किया। इसी काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवध के शासकों के संपर्क में आई। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल के बारे में। लगभग 75 वर्ष की अवधि में वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798, 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया, 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेश को पहले बंगाल प्रेजिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, परंतु 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेजिडेंसी कहलाता था गठित किया गया। 1856 में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा और अवध संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के रूप में के नाम से इसे 1877 में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। अब बात करते हैं 1857 से 1859 के बीच इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह प्रमुखता पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1858 में विद्रोह के दमन के पश्चात पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश शासन का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 में उत्तराध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। देश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, परंतु चोरी चोरा प्रांत के पूर्वी भाग में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा है। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे नहरें प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुआ, जैसे विश्वविद्यालय व कई महाविद्यालय स्थापित हुए। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। 1857 में अंग्रेजों की दोषपूर्ण राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ शहर से हुई। यह विद्रोह लगभग एक साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इस विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी था। इस संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वक्त खान नाना साहब, अवध की बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, राजा बैनी, माधव सिंह, अजीमुल्ला खान और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। 20वीं शताब्दी 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम परिवर्तित कर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। सन 1921 में इसकी राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। सन 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने पर उत्तर प्रदेश एक संपूर्ण राज्य बना।
उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, उत्तराखंड अलग होने से पहले तक 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास भारतीय इतिहास का अति महत्वपूर्ण तथा अभिन्न है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारतीय राजनीति में इस प्रदेश का अहम योगदान है। उत्तर प्रदेश ने भारत को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। और याद रखिए, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही चुनके आते हैं, बनारस से। ठीक है। विभाजन, उत्तर प्रदेश का गठन 1990 के दशक में उत्तराखंड क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम विकास से स्थानीय लोगों ने अलग राज्य की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन छिड़ा। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। इसमें कुछ वन लाइनर पॉइंट देख लेते हैं। आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यावर्त या भारतवर्ष पड़ा। 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी में के निकट सारनाथ में दिया था। ठीक है। खजुराहो के अति सुंदर मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया, ये छतरपुर में जिले में है। ठीक है, एमपी में। 650 तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश भी किसी ना किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। मुस्लिम काल के बाद भारत को अंग्रेजों मुस्लिम काल के भारत को ही अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहा था। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया। शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह भड़क गया। उत्तर प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण नेता दिए। स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने पर उत्तर प्रदेश एक संपूर्ण राज्य बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं इससे महत्वपूर्ण जितना पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। भिक्षुड़ी, उत्पल उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। वह निम्न स्थल से संबद्ध रही थी, तो याद रखना है आपको स्त्रावस्थी से। दूसरा क्वेश्चन है, कौसाम्बी को किसने विच्छेद विशेष क्षति पहुंचाई थी, तो याद रखना हुड नेता तोरमाड ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था, तो याद रखना तीसरे का होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर चार, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए देवदास ने। चार का होगा सी। क्वेश्चन नंबर पाँच, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ है, तो याद रखना अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर छः, कौशल महाजनपद की राजधानी थी, तो याद रखिए श्रावस्ती। छः का है डी। क्वेश्चन नंबर सात, भगवान बौद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया, तो याद रखना है सारनाथ में। सी ऑप्शन सही है। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं सराय नाहर राय से। सी ऑप्शन है आठ का। ठीक। पंचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, तो याद रखना अहिच्छत। डी ऑप्शन है। ठीक है। 10 का, वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो याद रखना कौसाम्बी। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है, याद रखना कोलसी से। कहाँ से? कोलसी से। क्वेश्चन नंबर 12, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी, तो याद रखना है मल्ल गणराज्य की। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखना अयाज्या, आ याजसा, ठीक है। 13 का बी है। क्वेश्चन नंबर 14, हर्षवर्धन के समय कन्नौज का नाम था? तो याद रखिए महोदय श्री। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था जो एशिया से जुड़ा था? तो याद रखना मथुरा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की है? तो याद रखना 16 का होगा ए, अयोध्या और हरिद्वार की, लुम्बिनी कपिलवस्तु, गया कुशीनगर, सारनाथ श्रावस्ती की है, अयोध्या हरिद्वार की नहीं की है, ए ऑप्शन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सत्रह, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको याद रखना है मथुरा। 18वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है देवगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 19, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो याद रखना सूरसेन महाजनपद की, 19 का सी है। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो याद रखना है 21 का होगा कुशीनारा, ठीक है, 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, श्रावस्ती की महाजनपद की श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो याद रखना 22 का होगा सी, कौशल महाजनपद की। सूची युग, सूची दो को सम्मिलित करना है, तो इसमें 23 में होगा हमारा सी ऑप्शन, 23 में सी होगा, कौन सा? हतरंगी खेड़ा, ये पिलोसान, अहिच्छत, ये सेंदव सभ्यता, आलमगीरपुर, पंचाल, कन्नौज, महोदय श्री, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन हो सही होगा, ठीक है, 23 का सी है। क्वेश्चन नंबर 24, रोहेलखंड का संस्थापक कौन था? रोहेलखंड का संस्थापक कौन था? तो याद रखना अली मोहम्मद खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था, तो याद रखना वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 26, वासखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो याद रखना 26 का होगा बी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल में सिद्धांत की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखना है कोल्डी हवा से, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, मगहरा, पंचोह के उत्खनन से निम्नलिखित में से किसके संबंध में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है? तो याद रखना 28 का होगा डी, नगरीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम चक्रवर्ती सम्राट निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो याद रखना ए या याति, ठीक है, 29 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी? तो याद रखना है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 31, हर्षवर्धन ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया जो उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक बना? तो याद रखना कन्नौज, बी ऑप्शन है 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, अयोध्या अभिलेख किसने विचलित करवाया था? तो याद रखना 32 में होगा हमारा डी, धनदेव ने, 32 डी। क्वेश्चन नंबर 33, अहिच्छत निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? पंचाल, ए ऑप्शन है 33 का, ठीक है। 34, रामायण की कथा कौशल राज्य की किस वंश से संबंधित थी? तो इच्छाकु वंश, 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, ये महाजनपद है उनकी राजधानी, तो 35 में होगा हमारा पी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वत्स, कौशाम्बी, काशी,
वाराणसी, चेदी, सुक्तमती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। हर्षवर्धन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो याद रखिए 36 का होगा सी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए ब्रह्मा ऋषि देश। 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर हड़प्पाई लोग कपास की भी उपजाते थे? तो याद रखना आलमगीरपुर में, सी ऑप्शन है 39 का। 38 का सी है, ठीक है, 38 का सी है। 39 क्वेश्चन, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता था? तो याद रखना उत्तरांचल नहीं पुकारा जाता था, ब्रह्मर्षि देश पुकारा जाता था, मध्य देश, हिंदुस्तान पुकारा जाता था, सी ऑप्शन है 39 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। कौन से सम्मिलित नहीं है? तो धर्म उपदेशक है और जन्म स्थान है। तो याद रखिए 40 में होगा हमारा बी, महावीर, पार्श्वनाथ काशी, गौतम बुद्ध लुम्बिनी, गुरु गोविंद सिंह पटना, लेकिन महावीर नहीं है। ठीक है, इसमें बी होगा 40 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो याद रखना है आपको फिरोज तुगलक ने, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के इतिहास को हड़प्पा काल से जोड़ता है? तो याद रखिए आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर वैदिक काल का सर्वोपरि विशिष्ट सूचक मेदभान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिए सी, चित्रित धूसर मेदभान। क्वेश्चन नंबर 44। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने, 44 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 45। स्थानीय मान्यता के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रय ब्रह्मावर्त उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित था? तो याद रखना बिठूर कानपुर, 45 का ए है। क्वेश्चन नंबर 46। सूरजमल जाट की राजधानी थी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 47। अकबर के नवरत्नों में कौन उत्तर प्रदेश का निवासी था? तो याद रखिए 47 का डी, कौन कौन, बीरबल और टोडरमल। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी और मुगलों के बीच नहीं हुआ है पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए सी और आगरा का युद्ध नहीं हुआ है, चुनार का युद्ध हुआ है, चौसा का और बिलग्राम का, सी नहीं हुआ है, आगरा का नहीं हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो याद रखिए कन्नौज प्रयाग में। 50 क्वेश्चन नंबर। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 51। आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल नामक मकबरा किसकी याद में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखना 51 का होगा सी, मुमताज महल। क्वेश्चन नंबर 52। अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबद्ध था? तो याद रखना 52 का होगा बी, बदायूं से। क्वेश्चन नंबर 53। अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबंधित था? तो ये बदायूं से देख लिया है। 53। औरंगजेब के शासनकाल में किसके नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ? तो याद रखना 53 का होगा सी, वीर छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 54। चौपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? तो याद रखना 54 का होगा बी, फिरोज शाह। क्वेश्चन नंबर 55। आगरा राजधानी बनाई गई सिकंदर लोधी द्वारा। 56। कन्नौज गुप्त शासक का मुक्त केंद्र कब था? तो याद रखना है आपको इसमें होगा बी, 7वीं शताब्दी में। 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57। काशी महाजनपद की राजधानी थी 57 में होगा ए, वाराणसी।
सन नंबर 58 बौद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? वो याद रखिए, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 59, प्रतिहारों को पराजय के बाद अराजकता कहाँ फैल गई थी? मध्य प्रदेश में, पहले उत्तर प्रदेश को बोलते थे, ठीक, मध्य में। उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया? उत्तरांचल या उत्तराखंड का याद रखना है आपको, 9 नवंबर 2000 को। चलिए, तो ये था ऐतिहासिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश का। अब बात करेंगे हम लोग तीसरा चैप्टर में, देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। ठीक है,